आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 80 के दशक में इस तरह की फिल्मों में मुहूर्त होते, तो मुहूर्त में पहले से शॉर्ट होता था, एक्शन होता था और एक डायलॉग बोले जाते थे, जहाँ पे मुझे लग रहा मुरली सर ने ठीक वैसे ही किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुरली सर ने कि सर को, कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मैं कोशिश करूँगा कि विश्वास को कायम रखूँ और एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे, बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी पे हम इस फिल्म पे काम कर रहे हैं, गंगा तेरी मैली हो गई, जिसमें हमारी को एक्ट्रेस रूपा जी हैं और अंकिता जी हैं। अंकिता इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं, अभी इस फिल्म में भी वो काम कर रही हैं और मुझे लगा कि मैंने इनका काम देखा, परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं गंगा तेरी मैली का मुहूर्त हो रहा है और इस सेट पे शूट भी चल रहा है एसपी देवी का, और ये दोनों फिल्में मुरली सर की ही है, और मुरली सर को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, विमल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देनी चाहूँगी, अंकिता जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इस फिल्म से वो डेब्यू कर रही हैं और बहुत अच्छी जोड़ी लग भी रही है और आगे भी ऐसी जोड़ी बनी रहे, खूब सारा फिल्म करें ये लोग, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें मैं भी देखने को मिलूंगी एक मेहमान कलाकार के रूप में। जी अंकिता जी, आपकी पहली फिल्म है, कैसे फिल्म मिली और आज ये इतना बड़ा मुहूर्त हुआ, क्या कहना चाहेंगी? मुझे मतलब बचपन से शौक था इसमें आने के लिए, लेकिन फिर ऐसा कोई मिला नहीं कि मैं इस लाइन में आ सकूं, फिर मैं अपनी पढ़ाई की तरफ जाने लगी। इसके बाद मुरली सर मिली, उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि एक बार करना चाहिए तुम्हें, मतलब तो उनके कहने पर मैं यहाँ पर आई एक बार, मतलब अपने आप को चांस देना चाहती हूँ, देखूँ मैं कर सकती हूँ बेस्ट। बस मुझे बहुत खुश महसूस हो रहा है कि मैं लाइफ में, मेरा जो मुझे ड्रीम था बचपन से वो कंप्लीट हो रहा है मेरा आज। मुरली सर से आप एक्टिंग की फील्ड में आई हैं, तो वो मुझे बहुत थोड़ा चैलेंजेस फील हुआ क्योंकि मीडिया लाइन में मतलब एंकरिंग एक अलग चीज़ होती है और एक्टिंग लाइन में बहुत अलग एक्सप्रेशन, ये सब। तो मुझे, मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुरली सर का कि मुझे वो लेके आए यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम में। मुरली सर क्या कहना चाहेंगे, जो बॉलीवुड में होता था आज वो भोजपुरी परंपरा आप ला रहे हैं इस तरह से भव्य डायलॉग और क्लैप और एक्शन? ऐसे नहीं, मैंने मेरी जितनी फिल्में हैं यूट्यूब में उठा के देख लेंगे, चाहे गैंग का मुहूर्त हो, भिंगरी हो, तो मेरा इसी अंदाज में मुहूर्त होते आया है। क्या कहना चाहेंगे, गंगा तेरी मैली किस तरह से गंगा मैली होने वाली है? एक्चुअली मैं राम तेरी गंगा मैली से बहुत इंस्पायर था, तो मैंने सोचा था कि एक दिन मैं ज़रूर इस फिल्म को बनाऊँगा, तो इसका कॉपीराइट तो ले नहीं सकते थे, तो मैंने फिर इसका टाइटल बहुत सोचा, फिर मैंने गंगा तेरी मैली रहेगा स्क्रिप्ट रेडी की, फिर मैंने कहा जब भी बनाऊँगा मैं इस पर एक फ्रेश चेहरा लाऊंगा, तो कई कास्टिंग की भी, फिर बीच में लॉकडाउन भी आया, फिर अचानक मुझे अंकिता पे मेरी नज़र गई, फिर मैंने काफ़ी इसके फ़ोटो मंगाए, मैंने बोला ये शायद मेरे कॉन्सेप्ट में फिट बैठ रही है, फिर मैंने करते करते अभी प्लान हुई यहाँ तक पहुँचे, विमल जी से मुलाकात हुई, इस पर भी एक इंजीनियर का जो जैसे ओरिजिनल फिल्म में राजीव कपूर थे, तो उस तरह एक सॉफ्ट और ये क्या बोलते हैं एकदम फॉर्मल ड्रेस पहने जो इंजीनियर लगे, इस तरह मैं लुक देखा तो मैंने इनके दो चार फोटो में ये फिट बैठ सकते हैं, और उसके बाद मैं चाहता कि फिल्म रूपा के बरू अधूरी होगी, अब न्यू इंट्रोड्यूस किसी को करते हैं तो रूपा कैसे करें, तो रूपा के लिए स्पेशल करेक्टर लिखा गया इस फिल्म में। बस आगे कलेक्टर बनेगी, आगे चोरनी बनेगी, काफी ऐसे कॉन्सेप्ट है, मतलब इनके सारे सपने आप पूरा करने वाले, पूरा जो नहीं बनी हो आप बनाएंगे, फिर जो फिल्म रहेगी भले एक चेहरा दिखा के जाएगी रूपा रहेगी, ऐसा है कि हमारी ऐसे रिलेशन है, रूपा जी के रूप का जादू चलता रहेगा। भाई हमने पहली फिल्म में मेरी, उसने रूपा ने काफी सपोर्ट किया था, हम लोगों ने काम किया था, बहुत ही अच्छी और हमारी अच्छी बॉन्डिंग होगी दोस्ती, और मुझे लगता है कि मुरली सर के लिए लकी भी है रूपा जी। हाँ लकी भी हैं, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो लकी होते हैं, इनको आदमी रिपीट करता है, तो रूपा जी नेचरवाइज बहुत अच्छी हैं, बस कमी एक ही है फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्यों सर? मुझे सर बात करें, विमल पांडे जी फेसबुक पे पोस्ट लिखे थे, बड़ा जो है दिल को छू जाने वाला था कि कुछ इनके साथ घर में जो है पिताजी नहीं रहे, कुछ इंसिडेंट, आप इनका वेट किए कि नहीं जब हो गए एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो तभी शूटिंग? हाँ मैं पूरी क्या हो जाए पूरी प्लानिंग कर ली थी हमने, यहाँ शूट भी करने वाले थे कुछ दिन, फिर जब दो तीन दिन पहले हमने जब ऐसा हादसा सुना तो रूपा जी से मैंने कहा भी मुहूर्त करें कि नहीं, तो उन्होंने कहा विमल जी ने शायद बात हुई होगी, उन्होंने मुहूर्त कीजिए ये वो, तो उसके बाद हमने बोला चलो प्लान करेंगे, फिर विमल जी ने उसे कहा भी अगर फिल्म रुक रही है तो मैंने इसके लिए वेग वगैरह हेयर बनाए हैं जो आजकल होता है, मैंने नहीं कोई बात नहीं वेट करेंगे जब जागो सवेरा, तो इन्होंने बीच में भी कहा, मैं बोला इनके मैंने सोचा कि इनके बाल बड़े होने दो, फिर एक दो बार मैंने देखा बोला आप चलो फिट है, फिर मैंने डेट मांगी तो उन्होंने कहा ओके, फिर हम आगे बढ़ गए। दूसरा कोई होता हीरो चेंज कर देता, आपने नहीं? इससे कोई होता नहीं है, इससे कोई इंडस्ट्री भागी नहीं जा रही है, और दो महीना इंतजार करते हैं और करेंगे, इससे कुछ नहीं। जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं।
पूरा करते हैं। तो अब बात करें राम, ये जो है गंगा मैली की, कहाँ कहाँ शूटिंग करें, कब तक ये शूटिंग शुरू होगी? अभी मैं इसका मतलब अभी इसी महीने शायद, सॉरी अप्रैल में, मैं इसका 2 दिन बॉम्बे में शूट करना चाहता हूँ कि मेरी एक लोकेशन है जो मेरे कॉन्सेप्ट में फिट है वो, और 2-4 दिन हम उत्तराखंड करेंगे और बाकी प्लान मेरा लखनऊ का ही है। मतलब गंगा दिखाएंगे हरिद्वार उत्तराखंड में? गंगा दिखाएंगे, एक दो हम वाटरफॉल में गाने बीने करने के लिए वहाँ जाएंगे, मिक्स करेंगे क्योंकि खूबसूरत बनारस का हम वहाँ चिट करेंगे, मगर करेंगे। बेहतरीन और एक बड़े लेवल की फिल्म बनने जा रही है। देखो मैंने सोचा तो इसको पर्दे में बहुत बेहतरीन उतारू, खूबसूरत, बाकी अब देखते हैं जो जैसे कैसे होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुरली सर को कि उन्होंने, मैंने आपसे कहा भी कि मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इनके विश्वास पे खरा उतरूँ और एक अच्छा परफॉर्मर बनकर अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। जी आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म को लेकर के? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, एक विमल जी तो आ ही रहे हैं इस फिल्म में, काफ़ी फिल्में हैं इनकी, एक नया चेहरा भी लॉन्च हो रहा है, इस चेहरे को भी ढेर सारा प्यार दीजिए जैसे आप लोग सबको प्यार देते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, सबकी प्रतिभा दिखनी चाहिए, बस यही कहना चाहूँगी। राजा बोलिए कि आप एक्टर हैं और फिल्म का संगीतकार हैं, सर मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुरली सर ने इतना ट्रस्ट किया है हम पे और मेरे लाइफ की ये दूसरी, अभी तो पहली फिल्म थी एसपी देवी जिसमें सर ने मुझे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम दिया, और गंगा तेरी मैली में भी मैं म्यूजिक कर रहा हूँ मैं खुद, और इसमें अभिनय भी कर रहा हूँ, और आईपीएस देवी में भी अभिनय कर रहा हूँ, इसके लिए मैं मुरली सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया है। बाकी विमल भैया के बारे में क्या बोलना है, तो बहुत टैलेंटेड कलाकार है, हमारे पूर्वांचल के बहुत ही बेहतरीन अभिनेता में से एक अभिनेता है, और रूपा मैडम के बारे में मतलब 3-4 फिल्में हम लोगों ने साथ में काम कर लिया, इनसे भी बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत इनका प्यार सम्मान मिलता है, और अंकिता जी इस फिल्म में डेब्यू कर रही हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। चलते चलते अंकिता जी, अपने इस फिल्म को लेके अपना जो जो करियर शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम हो रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरी न्यू मूवी है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, किस तरह के चैलेंज मुझे फेस करने होंगे, तो बस उसी को लेकर मैं एक्साइटमेंट हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा मेरा आशीर्वाद साथ रहे। कितना आपका सपोर्ट रहा है? पूरा सपोर्ट है और आगे भी रहेगा हमेशा। जब इन्होंने बोला कि मुझे एक्टिंग करना था, क्या रिएक्शन था? हाँ मैंने सपोर्ट तो उसके लिए। तो आपको जो है मम्मी को पिक्चर बनाने में कितना वक्त लगा था? मुझे वक्त बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि उनका भी यही सपना था बचपन से कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने कभी मना नहीं किया, इसलिए मैंने पहले सबसे पहले मीडिया लाइन इसीलिए चूज की थी। तो मैम आपका भी सपना था एक्टिंग करने का? जी हाँ। तो आपने कुछ किया कि नहीं? नहीं मतलब सोचती थी कोई, लेकिन ऐसा रास्ता ही नहीं मिल पाया। अब तो रास्ता खुल गया। हाँ तो इस फिल्म में आप भी नजर आएंगे? अब जरूर, हम तो कलाकारों का स्वागत करते हैं, कभी मना ही नहीं, कुछ भी मना ही नहीं करते हैं, स्वागत है एकदम सबका। तो चलिए मैम के लिए कैरेक्टर निकालिए, खुलासा हो गया। चलिए सर, सबके साकार होने चाहिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। रूपा जी क्या कहना चाहेगी? एक माँ अपने आप को एक बेटी में देखती है, अपना सपना बेटी में देख रही है, मुझे इनकी बातें सुन के बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत गर्व हो रहा है इनके ऊपर कि एक ये ऐसी लाइन है ना कि हर माँ बाप नहीं एग्री होते इस लाइन के लिए, और एक माँ एक बेटी के लिए जो इनका सपना था वो सपना मुझे लग रहा है अपनी बेटी में देखना चाहती हैं। पहले कोर्ट के लिए इतनी आज़ादियाँ नहीं थी, बट मुझे खुशी हो रही है आप इनका इतना सपोर्ट कर रही हैं, मेरी ढेर सारी विशेष है खूब आगे बढ़े, आपकी बेटी खूब नाम करे और आप भी खूब सारा काम करें सर के साथ। मैं तो इनके बारे में तो सब चीज़ बताई दिया, इस फिल्म में एक करेक्टर कर रही हैं आईपीएस देवी में, और गंगा तेरी मैली में ये डेब्यू कर रही हैं, और बहुत ही अच्छा इनका पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा गेटअप है इनका, तो मुरली सर ने अगर सिलेक्शन किया है इनका तो ज़रूर कोई ना कुछ तो खास बात होगी इनमें, इसीलिए सिलेक्शन किया है, क्योंकि एक हीरे की पहचान एक बेहतर जौहरी कर सकता है, जौहरी है एक हीरे की पहचान एक बेहतर जौहरी कर सकता है, तो हमारे जौहरी मुरली सर।